गुजरात में टिकट वितरण के फॉर्मूले से मध्य प्रदेश में भी मंत्री और विधायकों की परेशानी पर आपको बता दें कि लकीरें जो हैं वो दिखाई देने लगी हैं। संकेत साफ है कि प्रदेश में भी कई वरिष्ठ नेताओं के इस बार टिकट कटेंगे। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और कद्दावर नेता नितिन पटेल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि इन नेताओं का टिकट काटने के साथ साथ इनका सम्मान बरकरार रखने के लिए इन्हीं से चुनाव न लड़ने की घोषणा करवा दी गई। ऐसे में ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी भी ये फॉर्मूला अपना सकती है। दरअसल 2018 के चुनाव में बाबूलाल गौर, कुसुम मेहदेले का टिकट कटा था, सरताज सिंह जैसे नेता का भी टिकट काट दिया गया था। इस बार 70 साल पार कर चुके नेताओं के टिकट कट सकते हैं। कई कद्दावर चेहरों को भी साइडलाइन किया जा सकता है। नेता पुत्रों को टिकट मिलने के भी काफी कम आसार हैं। देखो, ये थ्योरी गलत है कि टिकट काटा जाता है। थ्योरी ये है कि टिकट दिया जाता है और टिकट उस कार्यकर्ता को दिया जाता है जो कार्यकर्ता चुनाव जीतने की स्थिति में होता है। पूरा विश्लेषण होता है, पूरा फीडबैक होता है, पूरी जानकारी होती है, उसके आधार पर कार्यकर्ता का चुनाव होता है और उसको टिकट दिया जाता है और वो चुनाव जीत के आता है। इसलिए टिकट काटना ये तो कोई विषय ही नहीं है, टिकट मिलना ये विषय है। तो टिकट उनको मिलेगा मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर जो चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतने की कुव्वत रखते हैं। कांग्रेस इस मामले में बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के हर फॉर्मूले कितना किसको निपटाना है उसे देखते हुए बनते हैं। अब गुजरात में मुझे एक भी मर्द नजर नहीं आया कि 84 टिकट कट गए हैं और किसी ने उफ भी किया हो। धड़कने निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में बढ़ना है कि जो लोग सत्ता के साकेत में घूमने का सपना देखते हैं उनका भविष्य क्या होगा। सियासी पंडितों का भी मानना है कि बीजेपी में आने वाले चुनावों में टिकट वितरण में कई नए प्रयोग दिखाई देंगे। देखिए, जो गुजरात के चुनाव में जो फॉर्मूला मोदी और शाह की जोड़ी ने लगाया है उसके बहुत अलग अलग कारण हैं। गुजरात में बहुत पहले तक कोई बहुत ज़्यादा जातिवाद नहीं था, लेकिन जो पाटीदार फैक्टर सामने आया है और जिस तरीके से आपने वहाँ पर एंट्री की है तो उसके चलते गुजरात की स्ट्रैटेजी बहुत अलग है। लेकिन ये बहुत संभव है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अगले वर्ष चुनाव है और उसकी सारी लगभग तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है मध्य प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि वहाँ का फॉर्मूला यहाँ पर लगाने में मध्य प्रदेश में बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि बहुत सारे मंत्रियों के खिलाफ बहुत शिकायतें दिल्ली तक पहुंच चुकी है। करप्शन मध्य प्रदेश में काफ़ी बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि वापस सरकार बनाना है तो बहुत कड़े निर्णय लेना पड़ेंगे। बीजेपी हर चुनाव में चेहरों के प्रति नाराजगी दूर करने के लिए कुछ टिकट बदलती है। गुजरात में भी इस बार उन नेताओं के टिकट बदले गए जिनकी जीत में कोई संदेह नहीं था। इससे स्पष्ट है कि आने वाले चुनावों में मध्य प्रदेश में भी कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।